लालू प्रसाद यादव से जुड़े लैंडफॉल जॉब स्कैम केस में सीबीआई के बाद अब रिएक्शन में ईडी। ईडी की टीम ने आज एक साथ तीन राज्यों की छापेमारी। बिहार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पटना स्थित आवास पर भी पहुंची थी। थाने में एमएनएस के 17वें फाउंडेशन डे के मौके पर उद्धव ठाकरे पर गरजे राज ठाकरे, उनका नाम लिए बिना साधा निशाना, बोले मेरे रास्ते में नहीं आना, सीएम पद से जाना पड़ा। बीजेपी को भी दी नसीहत। ऐतिहासिक इमारत गेटवे ऑफ इंडिया पर मंडरा रहा खतरा। 100 साल पुरानी इमारत की कमजोर हो रही नींव और दीवारें, जल्द ही मरम्मत नहीं हुई तो गिर सकती है इमारत, भारतीय पुरातत्व विभाग ने जताई आशंका। थाने के शीरफाटा इलाके में ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट के बाद लगी आग, दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर मौजूद। घटना में एक 35 वर्षीय शख्स की मौत, आग लगने के कारणों का लगाया जा रहा पता। महाराष्ट्र में किसानों को जाति पूछ कर दी जा रही खाद, किसानों में नाराजगी। महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचा विवाद, सीएम शिंदे, बीजेपी नेता और मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने दी सफाई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से सामने आई चौंकाने वाली घटना, हाईवे पर चलती कार के अंदर छिपा कोबरा, देखने वालों की उमड़ी भीड़, वीडियो वायरल। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों को बनाया जा रहा निशाना, हिंदुओं को डरा रहे खालिस्तानी। पीएम मोदी ने पीएम अल्बनीज के समक्ष रखा मुद्दा, अल्बनीज ने भी सुरक्षा का दिया आश्वासन। महाराष्ट्र के सांगली में पानी में फैल रहा जहर, कृष्णा नदी में हजारों मछलियों की तड़प तड़प कर मौत, पूरे शहर में फैली दहशत। पानी के इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन, जांच जारी। महाराष्ट्र के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकला बाघ, मध्य प्रदेश के खरगोन में जाकर युवक को बनाया शिकार, हमले में 35 वर्षीय युवक की मौत। वन विभाग ने ग्रामीणों से की बाघ को परेशान नहीं करने की अपील। बॉलीवुड स्टार राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की भीड़ का ट्रेलर रिलीज, पीएम मोदी की घोषणा से शुरू हुई ट्रेलर की शुरुआत। कोरोना महामारी के दौरान सड़कों पर आए देश के मजदूरों की कहानी, गुजरे वक्त को याद दिलाएगा ट्रेलर।